बिजी लाइफस्टाइल और अस्वस्थ खान पान के कारण थायराइड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड होने की संख्या 10 गुना ज्यादा होती है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए लोग ना एक्सरसाइज और दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन आप घरेलू नुस्खों से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ थायराइड कंट्रोल में रहेगा बल्कि इससे आप अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, दरअसल बिजी लाइफ के चलते महिलाएं अपनी डाइट से समझौता कर लेती हैं और थायराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, आयोडीन या विटामिन B12 की कमी, ज़्यादा नमक या सी फूड खाने से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा हाशिमोटो रोग के कारण भी महिलाओं में थायराइड खतरा बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना, ज़्यादा पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता और अनिद्रा शामिल है। हाइपरथायरॉयडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, गति का धीमा हो जाना, ठंड लगना, सूखी त्वचा हो जाना, बालों में रूखापन और अनियमित मासिक चक्कर के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, वेट लॉस, डायबिटीज और डाइजेशन ही नहीं बल्कि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए धनिया का बीज एक बेहतरीन उपाय है। थायराइड जैसी बीमारी इसके रोजाना इसका पानी पीने से 15 दिन में ही सही की जा सकती है। इतना ही नहीं, इसका पानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मुहासों से छुटकारा भी दिलाता है। इसके लिए आपको दोस्तों 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह इसे पानी समेत 5 मिनट के लिए उबालना है और फिर छान कर या गुनगुना पानी आपने पी लेना है। अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले सुबह खाली पेट अपनी दवा लें, फिर 30 मिनट के बाद यह पानी पिए। फिर इस पानी को पीने के 30 से 45 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं। लगभग 30 से 45 दिनों का नियमित सेवन करने से थायराइड लेवल दोबारा आप चेक करवाएं तो आपको सही मिलेगा और ये इसका एक रामबाण उपचार है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये छोटी सा वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए मीडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।